महाभारत में रचे गए सबसे खतरनाक व्यूह रचना आखिर कौन सी थी? क्या गुरु द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई व्यूह रचना थी? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे लंबा ग्रंथ है, जिसकी पूरी कथा कौरवों और पांडवों पर आधारित है। इस युद्ध में कई नीतियां थी जिसके आधार पर युद्ध लड़ा जाता था। चक्रव्यूह के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। चक्रव्यूह गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा रचा गया एक इतिहास का बेजोड़ नमूना था। द्रोणाचार्य ने इसकी रचना अर्जुन के लिए की थी, लेकिन इसमें वध हुआ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का। लेकिन महाभारत में युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ चक्रव्यूह की ही रचना नहीं हुई थी, बल्कि ऐसे कई सारे शक्तिशाली व्यूह रचे गए थे जिससे सामने वाला पक्ष उस व्यूह को भेद ना सके। व्यूह का अर्थ है युद्ध के लिए सैनिकों को एक विशेष क्रम में खड़ा करना। व्यूह रचना हर युद्ध की एक विशेष रणनीति होती थी। व्यूह में ध्यान रखा जाता था कि किस मुख्य स्थान पर कौन कौन से सेनानायक खड़े हों और कौन सेना का संचालन करे। युद्ध के दौरान हर सेनापति अपने अनुसार व्यूह का निर्माण करता था ताकि सामने वाला सैनिक किसी तरह उस व्यूह में फंस जाए और उसका वध किया जा सके। तो चलिए जानते हैं कि चक्रव्यूह से भी शक्तिशाली व्यूह आखिर कौन कौन से थे। इसमें सबसे पहला है क्रॉन्च व्यूह। क्रॉन्च एक पक्षी का नाम है जिसे डेमोसेली क्रेन के नाम से जाना जाता है। युद्ध के दूसरे दिन युधिष्ठिर ने क्रॉन्च व्यूह के बारे में सेनापति धृष्टद्युमन को सुझाव दिया था। इस व्यू में सबसे आगे सिरे पर एक तरफ द्रुपद थे और उनके पीछे कुंती भोज, गर्दन की तरफ सात्यकी और पंखों के स्थान पर एक तरफ भीम और एक तरफ पांचाल के महारथी थे। इसी तरह का व्यू कौरवों की सेना की तरफ से भीष्म पितामह ने भी बनवाया था। अगला है इंद्र का वज्र व्यू। जी हाँ, वज्र व्यू का निर्माण महाभारत युद्ध के प्रथम दिन अर्जुन द्वारा किया गया था। यह व्यू देखने में इंद्रदेव के वज्र जैसा था। चारों तरफ से सैनिकों से घिरे होने के कारण इस व्यू के अंदर के योद्धाओं की स्थिति के बारे में कभी भी ठीक से पता नहीं चल पाता था। लेकिन कहते हैं कि सभी व्यू रचनाओं में ये भी शक्तिशाली व्यू रचना थी। अगला है गरुड़ व्यू। गरुड़ व्यू की रचना द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह के निर्देश में की थी। जिस तरह गरुड़ की ताकत उसके मुंह और नेत्रों में होती है, वैसे ही इस व्यू की रचना भी की गई थी। भीष्म इस व्यू के सबसे आगे खड़े थे। गरुड़ के नेत्रों के स्थान पर द्रोण और कृतवर्मा थे और इनके ठीक पीछे अश्वत्थामा और कृपाचार्य थे। वहीं पक्षी व्यू के गर्दन के स्थान पर शल्य, भागदत्त और जयद्रथ थे। दुर्योधन अपने भाइयों के साथ पेट के स्थान पर थे और अवंती देश के योद्धा बिंद, अनुबिंद, शक, सूरसेन गरुड़ व्यू के सबसे पीछे की ओर खड़े थे। गरुड़ व्यू के पंखों के स्थान पर अन्य महारथी कुरुश, मुंड, कुंडिवृक्ष और ब्रह्मदल उपस्थित थे। अब बात करते हैं एक और व्यू रचना की, जिसे सबसे शक्तिशाली और खतरनाक व्यू रचना भी कहा जाता है, और ये था अर्धचंद्र व्यू। जब मगर व्यू अपने वेग से आगे बढ़ा जा रहा था, तो अर्जुन के निर्देश अनुसार अर्धचंद्र व्यू का निर्माण किया गया ताकि इस व्यू को काटा जा सके। अब आप पूछेंगे कि मगर व्यू रचना क्या थी? दोस्तों, युद्ध के पांचवें दिन भीष्म पितामह ने मगर व्यू रचना की थी। इस व्यू के अग्रभाग और पिछले भाग में सबसे शक्तिशाली योद्धा खड़े होते हैं और इसको सबसे शक्तिशाली आगे और पीछे से बनाया जाता है। इसको खत्म करने के लिए ही और इसको काटने के लिए ही अर्जुन ने अर्धचंद्र जैसे शक्तिशाली व्यू रचना का निर्माण किया था, जिसके दोनों तरफों के भागों में शक्तिशाली योद्धा होते हैं। जिसने मगर व्यू रचना को अपने अंदर समा लिया और उसके बाद सभी योद्धाओं को घेर कर मारने लगे। तो इसलिए कह सकते हैं कि अर्धचंद्र व्यू रचना शक्तिशाली व्यू रचनाओं में से एक थी।
आपकी सबसे पसंदीदा व्यू रचना कौन सी है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।